नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि कुछ हफ्तों से लॉकडाउन के केसेस जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो सरकार इसको लेकर कितनी ज़्यादा चिंतित है और क्या हमें एक और लॉकडाउन देखना पड़ सकता है और क्या वाकई लॉकडाउन काम करता भी है या नहीं, इससे जुड़े हुए कुछ डाटा और फैक्ट्स जो है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है और उससे जुड़े कुछ डाटा और फैक्ट्स को हम जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आज की डेट में इंडिया में जो टोटल केसेस फाउंड हुए हैं 14 अप्रैल तक, वो हुए हैं लगभग 1,38,00,000 के समथिंग केस टोटल फाउंड हुए हैं, जिसमें से एक्टिव केसेस जो हैं आज की डेट में वो है करीब करीब 13,60,000 के करीब है एक्टिव केस। इसमें सबसे ज़्यादा केस जो फाउंड हुए हैं वो महाराष्ट्र में हुए हैं, लगभग 35 लाख के करीब टोटल केस महाराष्ट्र में फाउंड हुए हैं, जिससे कल रात को ही वहां के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने वहां एक ब्रेक द चेन नाम का एक चलाया है अभियान, जिसके तहत आज रात को 8 बजे से काफ़ी सारी चीज़ों पे पाबंदी रहेगी और कर्फ्यू रहेगा, लेकिन वो सेम टू सेम लॉकडाउन जैसा ही है। तो ये तो था, ये अब इसके बारे में हमने बता दिया। अभी जानते हैं कि लॉकडाउन जो है उससे फ़ायदा भी होता है या नहीं। तो सबसे पहले इंडिया में जो लॉकडाउन जो हम लगाया गया था, जो कि था 23 मार्च से लेके 31 मई तक का, तो उसका हम आपको एक डाटा चार्ट दिखाते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये चार्ट तो आपने देखा कि जब लॉकडाउन जो स्टार्ट किया गया था उसके तब का है ये लॉकडाउन, लेकिन वो लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जैसा कि आपने चार्ट देखा, ये केसेस जो है वो ऊपर बढ़ते ही जा रहे थे। और अब देख लेते हैं, जब हमने अनलॉक जो किया था सितंबर महीने से, जो अनलॉक जो हुआ था तब का हम आपको ये चार्ट बताते हैं। तो इस चार्ट में देखने से पता चल रहा है कि जब हमने अनलॉक किया यानी लॉकडाउन हटाया, उसके बाद धीरे धीरे केसेस कम होते गए। यानी इंडिया में जो लॉकडाउन हुआ वो तो बिल्कुल फेल रहा, उसका कोई मतलब ही नहीं है लॉकडाउन लगाने का। और मेरी तो यही राय है कि वापस से लॉकडाउन लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, सबको ही परेशानी होती है, सरकार को भी परेशानी होती है, पब्लिक को भी परेशानी होती है। हाँ, लेकिन हमें जो इसको कोरोना का है उसको ईजी नहीं लेना चाहिए। हमें जो सरकार ने बताया है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, उन सबका पालन अच्छे तरीके से करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, बिना वजह घूमे फिरे नहीं, और अच्छी तरीके से मास्क का प्रयोग करें। और साथ ही साथ सबसे मेन जो एक टॉपिक है जो मुझे सरकार का समझ नहीं आ रहा है, कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ 45 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको ही वैक्सीन लगानी है। तो एक सर्वे हुआ था आज, देखा मैंने एक सर्वे, जिसमें कि बताया गया कि 40 से लेके 60% तक जो इसके शिकार जो हो रहे हैं कोविड के, वो लोग तो यूथ ही हो रहे हैं। और हम यूथ को अभी तक वैक्सीन देना चालू की भी नहीं है, तो ऐसी जंग जो है हम कैसे जीत पाएंगे कोरोना के खिलाफ, क्योंकि जब हम अच्छी तरीके से लड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। कि जो सबसे ज़्यादा केस जो अभी आ रहे हैं वो यूथ में आ रहे हैं, अगर यूथ को ही वैक्सीन नहीं मिल रही तो बड़े लोगों को वैक्सीन देके हम पूरी तरीके से कोरोना पे काबू जो है वो नहीं पा पाएंगे। तो ये तो था मेरा एक व्यू इस वैक्सीनेशन और लॉकडाउन के ऊपर। अगर आपके पास भी कुछ अच्छा उपाय है, सजेशन है, सॉल्यूशन है, या फिर कैसे इसको कोरोना को जो कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं सबको रिप्लाई भी करूँगा और आपके जो भी सुझाव होंगे वो मैं मेरे सोशल मीडिया पे शेयर भी करूँगा। तो चलिए, आज तो था ये लॉकडाउन के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए, ये तो थी लॉकडाउन के बारे में वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, कुछ नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।